हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे तथा आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी कोविड-19 से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। माई सेल्फ मनोज कुमार गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज, रीवा, मध्य प्रदेश। आज मैं एक बार फिर एक न्यू ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने आपको टेक्स्ट इन टेक्स्ट स्टेटमेंट तथा सेट कमांड के बारे में बताया था और उसे कैसे यूज करते हैं, इसको हमने प्रैक्टिकल करके आपको दिखाया था और आपने सीखा था। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम सीखेंगे कि फास्ट्रो में रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे मेन चीज़ रिपोर्ट क्या है। रिपोर्ट डेटाबेस को रिकॉर्ड डेटाबेस के रिकॉर्ड को एक वेल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। जैसे हम डेटाबेस टेबल बनाते हैं फास्ट्रो में, और डेटाबेस टेबल में फास्ट्रो में रिकॉर्ड टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। अब उन रिकॉर्ड्स को हम वेल फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, व्यवस्थित देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम फास्ट्रो में रिपोर्ट बनाते हैं। आपने सामान्यतः देखा होगा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पहले डेटा कलेक्शन करता है और उस डेटा कलेक्शन को जब हमें एक ऑर्गेनाइज वे में देखना होता है तो उसके लिए हम रिपोर्ट बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि फास्ट्रो में रिपोर्ट कैसे क्रिएट करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि जो रिपोर्ट होती है किसी डेटाबेस में इंसर्ट रिकॉर्ड के आधार पर बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम फास्ट्रो में उस टेबल को ओपन करेंगे जिसके आधार पर हम रिपोर्ट बनाना चाहते हैं। तो फास्ट्रो में टेबल को ओपन करने के लिए हम यूज कमांड का प्रयोग करते हैं। यूज, मान लीजिए हम एम्प्लाई टेबल के लिए बनाना चाहते हैं रिपोर्ट, तो यूज EMP, है ना। टेबल हमारी ओपन हो चुकी है। अब इस टेबल से रिपोर्ट बनाने के लिए हम विजार्ड का यूज करके आज हम रिपोर्ट बनाना सीखेंगे। तो हम फास्ट्रो में रिपोर्ट बनाने के लिए फाइल मेनू में जाएंगे। फाइल मेनू में आपको न्यू ऑप्शन मिलेगा, न्यू ऑप्शन में क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे एक न्यू का डायलॉग बॉक्स आ गया। यहाँ पे आप इसके द्वारा आप प्रोजेक्ट, डेटाबेस, टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, लेबल, प्रोग्राम, क्लास, टेक्स्ट फाइल, मेनू आदि क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि अभी हम तक टेबल और टेबल जितनी भी क्रिएट कर रहे थे, हम कहाँ से क्रिएट कर रहे थे, कमांड प्रॉम्प्ट से क्रिएट कर रहे थे। प्रोग्राम भी हमने कमांड का यूज करके क्रिएट किया था, आप यहां से भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम यहां पे रिपोर्ट क्योंकि क्रिएट करने हैं, तो यहां पे रिपोर्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और विजार्ड ऑप्शन में जाएंगे, है ना। विजार्ड यहां पे आप आएंगे तो एक अन्य विंडो आई है जिसका नाम है विजार्ड सिलेक्शन। यहां पे दो मेथड है, वन टू मैनी रिपोर्ट विजार्ड या रिपोर्ट विजार्ड। वन टू मैनी रिपोर्ट विजार्ड का यूज तब करते हैं जब हमारे पास कई टेबल्स होती हैं, है ना। जब हमारे पास टेबल्स की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पे दो टेबल्स के बीच रिलेशनशिप हो, उस केस में वन टू मैनी रिपोर्ट विजार्ड ऑप्शन का यूज करते हैं। क्योंकि हमारे पास एक सिंगल टेबल है, इसलिए हम रिपोर्ट विजार्ड का यूज करेंगे, है ना। तो सिंगल टेबल के आधार पर अगर हम कोई फॉर्मेटेड रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो हम रिपोर्ट विजार्ड का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हम ओके प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्टेप्स अब स्टार्ट हो गए। टोटल यहाँ पर फास्ट्रो विजार्ड रिपोर्ट विजार्ड से रिपोर्ट बनाने के लिए यहाँ पे 6 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप सेलेक्ट फील्ड्स, सेकंड ग्रुप रिकॉर्ड्स, थर्ड चूज रिपोर्ट स्टाइल, फोर्थ डिफाइन रिपोर्ट लेआउट, फिफ्थ सॉर्ट रिकॉर्ड्स, सिक्स फिनिश, है ना। तो फर्स्ट स्टेप जो है उसमें क्या करते हैं कि इसमें हम डेटाबेस टेबल का सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पे आप आएंगे तो फ्री टेबल दिखा है, यहाँ पे बहुत सारी आपकी एक टेबल दिख रही है EMP टेबल जो बनी हुई है। जितनी भी टेबल, अगर यहाँ पे और कई सारी टेबल बनी हुई तो उनकी लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी आपके। हमने टेबल नेम सेलेक्ट किया, डेटाबेस एंड टेबल्स नेम, है ना। फिर ये टेबल के अंदर जो जो अवेलेबल फील्ड्स हैं, जो जो टेबल में फील्ड्स डिफाइन की गई हैं, उनका यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। आपको रिपोर्ट जो बनेगी उसमें जो जो फील्ड्स लेना है, उन फील्ड्स को यहाँ पे सिलेक्टेड फील्ड्स में ऐड करेंगे। जैसे हमको एम्प्लॉई ID लेना है, एम्प्लॉई ID ऐड कर दिया। एम्प्लॉई नेम लेना है, एम्प्लॉई नेम ऐड कर दिया। कैटेगरी ऐड कर दिया, सैलरी ऐड कर दिया। कुछ कोई नहीं लेना है, मान लीजिए कैटेगरी नहीं है तो आप इसको बाहर कर दीजिए।
और लेना तो यहाँ पे आप इंसर्ट कर दीजिए। ठीक है, ये जो बटन्स हैं इनके यूज इनका यूज करके हम फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं, वन बाई वन भी कर सकते हैं और हम एक साथ भी फील्ड्स को ऐड कर सकते हैं, है ना। फिर फील्ड्स, तो इस प्रकार हमने इस स्टेप में क्या किया, टेबल नेम सेट किया और रिपोर्ट में जो जो फील्ड्स हमको देनी है उन फील्ड्स के नेम को चूज कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट में क्लिक करते हैं। सेकंड है ग्रुप रिकॉर्ड, सेकंड स्टेप है ग्रुप रिकॉर्ड। अब जैसे टेबल में आपके रिकॉर्ड्स बहुत सारे हैं, अब रिकॉर्ड्स की ग्रुपिंग आप किस आधार पे करना चाहते हैं, है ना। जैसे हमारी इम्प्लॉई की लिस्ट है उसमें हम ग्रुपिंग करना चाहते हैं कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज करना चाहते हैं या जेंडर वाइज करना चाहते हैं, जो फील्ड्स होंगे उन्हीं के आधार पे कर पाएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी है, इम्प्लॉई आईडी है, इम्प्लॉई नेम है, सैलरी है, हम किस आधार पे करना चाहते हैं, है ना। तो अभी हमारे लिए यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है कैटेगरी, कैटेगरी के आधार पे कर सकते हैं। इसके बाद फील्ड का सिलेक्शन करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्लिक करें, नेक्स्ट में क्लिक करेंगे आप यहाँ से बैक स्टेप में भी जा सकते हैं, नेक्स्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में पूछ रहा है चूज रिपोर्ट स्टाइल, जो आपकी रिपोर्ट बनेगी यहाँ पे उसके लिए बहुत सारी स्टाइल है, जैसे एग्जीक्यूटिव स्टाइल, लेजर, प्रेजेंटेशन, मैंडेट, कैजुअल, कई प्रकार की स्टाइल है। देखिए सबका फॉर्मेट यहाँ पे दिखाई दे किसमें क्या चेंजेज आएगा, आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। आप कोई भी एक फॉर्मेट चूज कर लीजिए, जो जो आपको जैसी आपकी आवश्यकता हो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। रिपोर्ट स्टाइल चूज करने के बाद आप नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप यानी फोर्थ स्टेप, डिफाइंड रिपोर्ट लेआउट। रिपोर्ट लेआउट में हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारा जो लेआउट होगा वह किस प्रकार का होगा, उसका नंबर ऑफ कॉलम्स तो पहले सेलेक्ट हो गए हैं। यहाँ पे हम ओरिएंटेशन बेसिकली सेट कर सकते हैं कि हमारा पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होगा जो रिपोर्ट बनेगी कि उसका लैंडस्केप होगा, है ना। तो ओरिएंटेशन यहाँ पे हम सेट कर लेंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन में अब पूछ रहा है कि आपका जो रिपोर्ट बनेगा ग्रुपिंग, तो हमने डिसाइड कर दी कि जेंडर के अकॉर्डिंग हमारे जो रिकॉर्ड्स उनकी ग्रुपिंग होके हमारे सामने डिस्प्ले होगी, बट जो रिकॉर्ड्स की सॉर्टिंग होगी किस आधार पर, उनका सीक्वेंस क्या होगा, इम्प्लाई आईडी के आधार पे होगा, नेम के आधार पे होगा, सैलरी के आधार पे, किस आधार पे होगा। मान लीजिए हमने नेम सेलेक्ट कर दिया, नेम के आधार पे, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड करना है, फील्ड को ऐड करना है ना। अब यहाँ पे आप ऑर्डर भी डिसाइड करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक। इसके बाद सॉर्ट रिकॉर्ड में फील्ड हमने ऐड कर दिया, किस फील्ड के आधार पे हम सॉर्टिंग करनी है। इसके बाद नेक्स्ट बटन में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट लास्ट स्टेप है सिक्स, लास्ट स्टेप फिनिश। इस स्टेप में हम कई सारे ऑप्शन है, जैसे रिपोर्ट का नाम क्या है ना, उसका टाइटल क्या होगा, जैसे हमने दे दिया टाइटल चेंज कर दिया एम्प्लॉई, फिर सेव रिपोर्ट फॉर लेटर यूज, सेव रिपोर्ट एंड मॉडिफाई इट इन द रिपोर्ट डिजाइनर, सेव एंड प्रिंट रिपोर्ट। अभी हम सेव कर रहे हैं बाद में यूज करने के लिए, तो हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम प्रीव्यू देखना है, तो आप प्रीव्यू यहाँ देख सकते हैं, ये आपकी रिपोर्ट बन के आ चुकी है। ये देखिए यहाँ पे एम्प्लॉई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एम्प्लॉई, फिर डेट, डेट सिस्टम की डेट जो भी है, फिर कैटेगरी वाइज, कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, है ना। अब जनरल कितने कैंडिडेट हैं, देखिए अल्फ़ाबेटिकल आ गया, हमने नेम वाइज किया था तो अल्फ़ाबेटिकल डी आई, फिर ऐसे सैलरी सब की आ गई, फिर ओबीसी कैटेगरी के जितने लोग कैंडिडेट्स हैं, एम्प्लॉई हैं, है ना, उनका आईडी, नेम, सैलरी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ऐसे एससी कैटेगरी का, एसटी कैटेगरी का, है ना। इसको आप, आपका ये हो जाए तो इसको आप क्लोज कर दीजिए। प्रीव्यू हमने देख लिया, अब हमको फिनिश करना है। फिनिश करेंगे तो यहाँ पे आपसे सेव करने के लिए मांगेगा, है ना, और यहाँ पे जो रिपोर्ट बनेगी उसका एक्सटेंशन नेम डॉट एफ आर एक्स होगा, है ना। जैसे टेबल आप बनाते हैं तो उसका एक्सटेंशन नेम डॉट DVF होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो रिपोर्ट बनेगी उसका एक्सटेंशन नेम डॉट एफ आर एक्स होगा। हम नाम दे के यहाँ सेव कर सकते हैं, इस नाम की रिपोर्ट बनी है, यस कर दीजिए, रिप्लेस हो जाए, आपकी रिपोर्ट क्रिएट हो चुकी है ना। अब मान लीजिए आपको उस रिपोर्ट को ओपन करना हो, तो आप यहाँ जाइए, ओपन में जाइए, आपकी फाइल यहाँ देखिए बनी होगी कहीं ना कहीं,
यहाँ पे प्रोजेक्ट है, आप रिपोर्ट ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ आप पहले रिपोर्ट ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट कर लें, है ना। अब देखिए यहाँ पे आपकी ये रिपोर्ट है, सेलेक्ट करिए, ओपन करिए, ये आपको इस तरह व्यू दिख रहा है। आप यहाँ पर जाके व्यू में जाइए और यहाँ पे प्रीव्यू में क्लिक कर दीजिए, ये देखिए आपकी रिपोर्ट जो है वो दिखने लगी है ना। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने फास्टफ्लो में रिपोर्ट बनाना सीखा कि इसमें रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, और इस प्रकार आज से आपका फास्टफ्लो का जो पोर्शन था वो कंप्लीट होता है। अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमसे बिल्कुल पूछें, और हम प्रयास करेंगे कि उसका वीडियो बना के आपको अपलोड करें। थैंक यू।